एज के बारे में कुछ जानते हैं? जब तक आप जब तक ढूंढिए आयु संबंधित प्रश्न, अभी आज आपको हम एज पे क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद पार्टनर ये करवाएंगे, एवरेज करवाएंगे, फिर एस सी एफ एल सी एम, ठीक है ना? एज बहुत सिंपल सा चैप्टर है और रेशियो, आपको रेशियो ही लगे कि हम रेशियो ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें रेशियो से ही होगा। और एज का, हाँ तो यहां सेंड कीजिए ना, ठीक है ना? आप 2 मिनट समय दीजिए, आज जो है ना हमें क्वेश्चन खत्म हो गया था, आज हम चालू कर देते हैं। एजेस को दुखी होने की बात नहीं है, एज ज्यादा दिन का नहीं है, 6-7 क्लास होता है, निपट जाएगा और क्या, ठीक है ना? और हाँ, उसके बाद जो है एवरेज होगा। अब तो सब चीजें जो है ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, है ना? कारण यह है कि एक तो डिजिटल बुढ़े दम धाएं धाएं धाएं, जो यही पार्टनरशिप लगता था 14 से 15 क्लासेस, कितने हो गए? 9 क्लास में खत्म है कि नहीं? और क्वेश्चन भी 2-4 बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। ओके, आइए शुरुआत कर देते हैं एजेस का, आयु संबंधित प्रश्न। सब लोग तैयार हैं? थोड़ा सा समझते हैं चैप्टर को, ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का चैप्टर है, इससे आसान कोई चैप्टर होता ही नहीं है। बस आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? एजेस, आयु, आप जानते हैं ये वर्तमान प्रेजेंट एज है, बीच में क्या लिखेंगे? प्रेजेंट, जो अभी वर्तमान में है, ठीक है ना? और जो बीत गया वो आपका पास्ट हो गया, और जो आगे आएगा वो क्या होगा? फ्यूचर। आपका ये जो इधर में जो है पास्ट हो गया, इधर में फ्यूचर हो गया, और बीच में क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट वर्तमान, ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा, बात ऐसा है मेरे भाई बंधु कि जब हम एग्जाम्पल दब समझिएगा, और एग्जाम्पल है अपने ऊपर लेके सोचिए, जहां कहीं कंफ्यूजन हो ना एज में, वो अपने ऊपर ले चलो कि अभी मैं इतने साल का हूं, 10 साल बाद कितना हो जाऊंगा, 10 साल पहले कितना था, अपने ऊपर लेके सोचेंगे ना तो आपको फीलिंग होने लगेगा। क्या होने लगेगा? फीलिंग। आइए मैं कराता हूं फीलिंग, प्लीज यहां देखिएगा। यदि किसी व्यक्ति का वर्तमान उम्र कुछ भी है, हम कहें कि 5 साल बाद जाने पर एज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? जब अभी वर्तमान में, मान लीजिए कि आप वर्तमान में 20 वर्ष के हैं, 20 ईयर्स, 20 वर्ष के हैं, तो 5 साल बाद आपका उम्र क्या हो जाएगा? वॉट विल द एज आफ्टर 5 ईयर्स? 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? तो आपका एज घट गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। तो जब कभी हम वर्तमान से फ्यूचर की ओर जाते हैं तो एज क्या होता है? बढ़ता है, ठीक। लेकिन जब वर्तमान से पास्ट की ओर आते हैं, जैसे मैंने कहा अभी आपका उम्र 20 वर्ष है, 20 ईयर्स के हैं आप, 5 साल पहले कितना था? तो 5 साल पहले आप 15 साल के थे, 10वीं के एग्जाम दिए थे, है ना? तो 5 ईयर्स है, व्हाट वाज द एज, है ना? 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले आपका एज क्या था? तो 5 साल पहले कम था, समझ में आ रहा है ना? तो इधर आने पर एज क्या होता है? निगेटिव हो जाता है, घट जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? प्रेजेंट से देखो, ये सारा का बहुत यूज होगा, इस सिंबल का बहुत यूज होगा, इसे ध्यान सुनिएगा चीजों को, है बहुत आसान लेकिन सुनिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी बात के कि हम प्लस करें कि माइनस करें, होते होंगे कुछ लोग, है कि नहीं? वो सब क्लियर हो जाएगा, तो पहले समझिएगा प्लीज मेरे भाई बंधु मित्रों, देव सज्जनों, ध्यान सुनिएगा। तो जब वर्तमान से हम फ्यूचर में जाते हैं तो एज बढ़ता जाएगा, और हम पास्ट में जाते हैं तो एज कम था ना पहले, तो घट जाएगा, हाँ या न? ओके, ये तो सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं। अब हम बात करें कि पास्ट से प्रेजेंट की ओर आते हैं, जैसे हमने कहा 5 साल पहले आप 15 साल के थे, 5 साल पहले कितने थे?
पांच साल पहले थे 15, तो अभी कितने हो गए? 20 साल के हो गए। मतलब पास्ट से प्रेजेंट में आने पर एज बढ़ा या घटा? यहां से यहां आगे चल रहे हैं तो बढ़ेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आपका एज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हाँ या ना बोलिए ना, क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। अपने ऊपर लेख सोचिएगा कि 5 साल पहले मैं 15 साल का था, तो आज हम कितने साल का हैं? 20 साल। तो घट गया या बढ़ गया? बढ़ गया, तो बोलेंगे एज बढ़ गया। समझ में आया? अब सुनिए, ए भाई साहब, फ्यूचर से प्रेजेंट में आएंगे, हम कहें कि 5 साल बाद अब 20 साल के हो जाइएगा। अभी नहीं बोला मैंने, मैंने कहा आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद आप 20 साल के हो जाएंगे। तो अभी कितने साल के हैं? 15 है, 5 साल बाद 20 के होंगे ना, तो अभी कितने हैं? 15 साल का। समझ में आ रहा है ना? तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि फ्यूचर से प्रेजेंट आने पर, फ्यूचर से वर्तमान आएंगे, एज क्या होगा? घट गया। क्या हो गया? घट गया, पीछे आ रहा है ना, तो घट गया। देखिए अब हमेशा ध्यान रखिए, इधर समझ में आ रहा सबको ना, कैसे हम लोग इधर से फ्यूचर गया तो बढ़ गया, अब वर्तमान से पास्ट गया तो घट गया, पास्ट से प्रेजेंट आए तो बढ़ गया, फ्यूचर से प्रेजेंट आए तो घट गया। अब सुनिए मेरे बात ध्यान से प्लीज, इधर देखिए, दायां हाथ और बायां हाथ दिखाई दे रहा सबको? आए भाई साहब, आए दिखाई दे रहा सबको? ओके। जब कभी आप आगे की ओर बढ़ेंगे, इधर कहां आगे की, इधर बढ़ेंगे, इधर से कहीं इधर ही बढ़ जाएं, थोड़ा ही दूर बढ़ें, लेकिन इधर की ओर बढ़ें, पास्ट में ही और इधर पास्ट में चलें, आगे की ओर पास्ट चलें, जैसे यहां से सारा पास्ट ही होगा, एक 10 साल पहले, एक 5 साल पहले, तो इधर से इधर की ओर जब भी जाएंगे आपके इस अकॉर्डिंग बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो लेफ्ट टू राइट ऐसे देखेंगे, तो राइट टू लेफ्ट। ए भाई साहब इधर देखिए ना, हाँ तो यहां देखो, मोबाइल में नहीं देखो, यहां देखो। तो जब कभी इधर से उधर की ओर आएंगे, लेफ्ट टू राइट, जब कभी हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर आएंगे, चाहे थोड़ा सा कहीं भी चलें, यहां से यहां चलें, यहां से यहां चलें, फ्यूचर से ही फ्यूचर में चलें, तो जब भी कभी हम लेफ्ट टू राइट, बायां से दाएं तरफ जब भी चलेंगे, तो एज बढ़ेगा। क्या होगा? हमेशा देखो ना, यहां से इधर चले हैं तो बढ़ गया, यहां से उधर चल रहे हैं तो बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना भाई साहब? तुम आंखें खोल देखिएगा फटाफट, ठीक है ना? आप समझ गए ना कि लेफ्ट से, लेफ्ट मतलब निगेटिव, लेफ्ट मतलब निगेटिव बोलते ना उसको, उल्टा है ना, उल्टा निगेटिव, और राइट मतलब पॉजिटिव। तो इधर से उधर जाएंगे ना, तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो पॉजिटिव की तरफ क्या होता है? आप लोग ऐसे नंबर सीरीज पढ़ेंगे, ऐसे लिखते हैं ना, 0 लिखते हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट समझते हैं न्यूमेरिकल का, इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है, और इधर में क्या होता है, माइनस होते जाता है, ठीक है ना? तो इधर जाने पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, प्लस 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 प्लस। समझ में आ रहा सबको ना? वो दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एज बढ़ता है, और जब उधर से इधर आते हैं, फ्यूचर से ही इधर ही आ जाए, और फ्यूचर में पीछे जैसे आएंगे वो घटेगा, पीछे जैसे आए क्या होगा, घटेगा। ये बातें आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना? हम इधर से उधर जाएंगे तो क्या होगा, और उधर से जब इधर आएंगे तो क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना? इधर से जाइए, कहीं भी चले जाइएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, और इधर से कहीं भी जाइएगा तो क्या होगा, घटेगा। ये बात दिमाग में रखिएगा। समझ रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? बिल्कुल समझते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब सुनिए, पहला टाइप से यहां शुभारंभ करते हैं, एक नर्सरी क्लास के टाइप से, आराम आराम से। जैसे कहा, दो व्यक्ति है, और अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन शुरुआत करेंगे, देखिएगा बहुत मजा आएगा। दो व्यक्ति है, उसका एज का रेशियो 3:2 है, मतलब प्रेजेंट है,
ठीक है ना, रेस द प्रेजेंटर टू पर्सन ए एंड बी, पहले समझिएगा सारे क्वेश्चन देंगे बनाया हुआ, 3:2 है, रेस द प्रेजेंटेज ऑफ ए एंड बी इज गिवन 3:2, ए और बी का जो वर्तमान आयु है उसका रेशियो क्या है 3:2 है, 3:1। हमने कहा कि 5 साल पहले 5 years ago, 5 साल पहले 5 years ago द सम ऑफ द एज वाज दिया रहेगा, 5 साल पहले इनका उम्र का योग सम 60 साल था, कितना था 60 years, 5 years ago द सम ऑफ द एज वाज 60 years, 5 साल पहले उनका एज का सम कितना था 60 साल था, कितना था, ओके okay. कब, 5 साल पहले, ठीक है ना, एज में क्या होता है ना, सबका बढ़ता है सबका घटता है, पीछे जाएंगे तो एज घटेगा और आगे जाएंगे तो एज, ये ना कि एक आदमी का बढ़ रहा है एक बोला नहीं मैं तो कंट्रोल कर रखा हूं, है ना, तो ऐसा नहीं होता, बढ़ेगा दोनों को, 5 साल बाद एज जाएगा तो एक का भी बढ़ेगा और 5 साल बाद बी जाएगा तो उसका भी बढ़ेगा, भले कितना भी कंट्रोल करके रखे, है ना साहब। कहने का मतलब ये हुआ कि एज में हमेशा जो अंतर होता है दो व्यक्ति के बीच, अंतर हमेशा बराबर होता है, मतलब अंतर का मतलब यह है कि यदि आपके बड़े भैया बचपन में आपसे 5 साल बड़े थे तो बुढ़ापा में भी 5 साल ही बड़े हो रहेंगे और अभी भी आपसे 5 साल ही बड़े रहेंगे, ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि आपका उम्र उनसे 5 साल बड़ा हो जाएगा, है? क्या बोला टपक जाएंगे तब अरे टपक जाएंगे फिर भी तो उसका एज गिनते रहेगा ना, बढ़ रहा है ना, बोलते ना कि हमारे जो है दादाजी 105 साल में डेथ किए, आज वो अभी उनका उम्र 130 साल हो गया है, कि मतलब कि उनका 5 साल इनका एनिवर्सरी हो गया, डेथ एनिवर्सरी इतना होता, तो बोलते हैं हम लोग तो इतने साल के होते हैं कि तो बढ़ते गया ना, तो हम बोलेंगे दादाजी का उम्र आपके पापा जी में कितने का अंतर है, तो अभी दादाजी का उम्र इतना होता मेरे पापा इतने के हैं तो अंतर इतने साल का, बोलते अंतर तो लेके चलेंगे दोनों को, डेथ भी कर गया कोई आदमी तो अंतर जब निकालेंगे तो उनका तो एज जोड़ेंगे कि अभी इतने साल में मरे थे आज इतने साल हो गया तो अंतर इतने साल का, समझ में आया ना, बोल हाँ या ना, अंतर हमेशा बराबर होता है, अंतर हमेशा क्या होता है, डिफरेंस ऑलवेज सेम, हमेशा अंतर बराबर, एज में ध्यान रखिएगा, ठीक है ओके। दूसरी बात कि भैया यहां पर 5 साल पहले एज का सम 60 है तो हम वर्तमान में जब भी आएंगे तो ए का बढ़ेगा तो बी का भी, यदि एक व्यक्ति का बढ़ता है पास्ट से प्रेजेंट आने में तो सब दोनों का बढ़ेगा ना, तो यहां पर 60 है तो यहां 5-5 साल के हिसाब से 10 साल बढ़ जाएगा तो यहां कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, मेरे बात समझ रहे ना, एक आदमी का 5 साल बढ़ेगा तो 2 आदमी कितना बढ़ेगा 10 साल, तो कितना 60 और 10 कितना हो जाएगा 70, हाँ या ना, एनी प्रॉब्लम। तो एक का उम्र कैसे निकालेंगे 3/5 × 70, 3/5 × 70 तो 14 × 5 और 14 यही, तो ऐसे एक का वर्तमान उम्र 42 साल आ गया, तो जहां पर रेशियो दिया रहेगा ना एज का सम वहीं पर खींच के लाते हैं, कहां पर खींच के लाएंगे जहां पर रेशियो दिया रहेगा। अभी पहला टाइप ध्यान सुनना, पहला टाइप है कि जहां पर रेशियो दिया रहेगा एज का सम वहीं पर लाना है, 5 साल पहले एज का सम 60 था तो अभी आएंगे तो 5-5 साल बढ़ेगा ना, तो कितने हो जाएंगे सम 70 हो जाएगा दोनों का सम, भले उसमें 60 था तो अभी 5-5 बढ़ कितना 10 हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा ना 70 हो जाएगा, हाँ या ना, तो दोनों का एज का सम 70 हो जाएगा, रेशियो दिया है दोनों का एज डिवाइड कर देंगे, हाँ या ना। ये सब को पूछने का चीज है तो मैं फालतू बता रहा हूं, अब स्टार्टअप है ना इसीलिए। कहा ए और बी का वर्तमान एज का रेशियो 3:2 है, द रेशियो द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:2, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। हमसे कहा 5 साल बाद इनका एज का सम 60 साल हो जाएगा, कितना हो जाएगा After 5 years, the sum of the age will be 60 years. 5 साल बाद इनका एज का सम 60 साल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कब हो जाएगा, 5 साल बाद उनका एज का सम 60 हो जाएगा, कितने साल बाद, 5 साल बाद 60 हो जाएगा, यस।
तो 5 साल बाद 60 होगा ना, तो जब इधर पीछे आएंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा? कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, पीछे क्यों? जैसे पीछे आएंगे तो घटेगा, पीछे मतलब निगेटिव हो गया ना, तो घटेगा, समझ में आया? तो यहां 5-5 साल घट के कितना हो जाएगा? यहां 50 हो जाएगा, यहां पर 60 है तो 5-5 साल घट जाएगा। भाई साहब जाग रहे हैं ना, बताइए ना भाई साहब। भाई साहब जागते रहिए, आप ही को हम देख रहे हैं ना, जाग रहे हैं ना, दिखाई दिया, दे रहा है दिखाई, ठीक है। तो 5-5 जो है घट जाएगा, तो कितना घट जाएगा? 10 है ना, तो 60 साल कितना हो जाएगा? 50। यस और नो? तो ए का वर्तमान निकालने का 3, इसका 5, इसका 60, बोलो हाँ या ना। तो कितना आ जाएगा? ये 50 था ना जी, 50 है, कितना है? तो 30 साल कितना हो जाएगा? 30 साल, ठीक है ना, यहाँ 50 है, ठीक है ना, समझ में आया बंधु? तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम है? यहां देखो, चुपचाप देखो यार, समझ में आया? 5 साल पहले की बात है, ए और बी, पहले समझा रहा हूं, क्वेश्चन सारा बनवाऊंगा धाएं धाएं, इसलिए समझा रहा हूं। 5 years ago, कितने साल पहले? 5 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो 3:2 था, जो आज समझेगा वही बनाएगा धाएं धाएं, ध्यान रखिए फटाफट। तो 5 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो कितना था? 3:2। और कहा कि आफ्टर 5 ईयर, जब भी आफ्टर या हेंस या कुछ भी कहे, बिफोर कहे, तो वर्तमान से ही लेते हैं, कहां से काउंट करते हैं? कहा 5 साल बाद, तो कहां से 5 साल बाद? 5 साल पहले, तो सारा काम वर्तमान से, प्रेजेंट से ही करते हैं, समझ में आ रहा है ना? हमने कहा 5 साल पहले ये रेशियो था, 5 साल बाद उनका एज का सम कुछ कह दिया कि 70 साल हो जाएगा, तो 5 साल यहां से नहीं बोला मैंने, ना कि आप कहेंगे 5 साल पहले रेशियो ये था, 5 साल बाद ये होगा सब, तो 5 साल यहां से गिन के ले आई, नहीं, 5 साल बाद कहा तो हमेशा प्रेजेंट से ही 5 साल बाद काउंट करना। यस और नो? तो आफ्टर 5 ईयर द सम द एज विल बी 70 years, है ना, 5 साल बाद इनका एज का सम 70 साल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 70 साल। मैंने क्या बोला? जहां पर एज का रेशियो दिया रहे, क्या दिया रहे? जहां पर एज का रेशियो दिया रहे, सम हम वहीं पर खींच के लाते हैं, ठीक है, सम कहां लाते हैं? जहां पर रेशियो दिया रहे। मेरे भाई बंधु, हम पीछे की ओर आएंगे तो एज बढ़ेगा या घटेगा? पीछे मतलब निगेटिव है कि नहीं? पीछे जाने पर एज क्या होता है? घटता है। तो यहां से यहां एक आदमी का 5 घट गया, फिर और 5 घटेगा, 10 घटेगा, एक आदमी का, दो आदमी का, मेरे बात समझ में आया या नहीं आया? अरे यहां से यहां तो 5 घटेगा, फिर यहां से यहां 5 घट, 10 घट गया ना, तो एक आदमी का 10 घट गया, यहां से यहां तक एक आदमी का 10, तो दो आदमी का, तो इसमें 20 कम कर देगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा? यहां 50 आ जाएगा। देवी और सजनों, समझ में आ रहा है ना? जहां पर एज का रेशियो दिया रहे, सम वहीं पर खींच के लाते हैं, ठीक है ना? तो सम हमें दिया है 50 यहां का। अब ए का वर्तमान उम्र पूछेगा, तो 3/5 of 50, तो कितना आ गया? 30 साल नहीं बोलिएगा, ए का 30 साल नहीं वर्तमान, 5 साल और जोड़िएगा, अब 35 साल वर्तमान बोलिएगा, क्योंकि ये जो एज निकाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 50 को ए और बी में, वो 5 साल पहले का है। कब का है? 5 साल, 5 years ago, 5 साल पहले का एज का सम है। यस और नो? तो वर्तमान आएंगे तो 5 साल क्या होगा? जुड़ेगा, तो इसलिए 30 यहां था, तो यहां 35 बोलेंगे ए का प्रेजेंट एज। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन दिया कि 5 साल बाद, अभी छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत मजा आएगा। 5 साल बाद, ए भाई साहब देखिए ना इधर, 5 साल बाद ए और बी का एज का रेशियो 3:2 हो जाएगा। ए भाई साहब, भाई साहब देखिए ना, 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद ए और बी का एज का रेशियो 3:2 हो जाएगा। 5 साल बाद कितना हो जाएगा?
पांच साल बाद ए और बी का एज का रेशियो हो जाएगा, फ्यूचर की बात है, 3:2, ठीक है। और 10 साल पहले उनका उम्र का जो सम था वो 50 साल था। 10 years ago the sum of the age was दिया रहेगा 50 years। 10 साल पहले उनका एज का सम कितना था? 50 साल, ठीक है भाई साहब। अब सुनते क्या नहीं जी, यहां से यहां आगे की ओर चलेंगे, आगे के चलने में बढ़ता या घटता है? आगे पर चलने पर एज बढ़ता या घटता है? आगे चलने पर एज बढ़ता या घटता है? कमाल कर दिए। तो सुनो ना, एक आदमी का यहां से यहां 10 बढ़ेगा और 5 बढ़ेगा, कितना? 15। यहां से यहां जाने में 10 बढ़ेगा, फिर यहां से यहां और 5 बढ़ेगा तो 15। एक आदमी का 15 बढ़ेगा तो दो आदमी का 30, तो यहां पर 50 था तो यहां पर कितना हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। अब पूछेगा ए का वर्तमान उम्र बताओ, ए का वर्तमान उम्र कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकालेंगे, ऊपर 3 नीचे 5 गुने 16 15 16 3। किसका एज आ गया? कब का आ गया? यहां 5 साल बाद का 48 है, यहां पर 48 है, लेकिन यहां का पूछा तो 5 घटा देंगे, 5 पीछे ले आएंगे तो 40 40। तो वर्तमान में ए का उम्र 43 years है। यस और नो? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? बहुत अच्छी बात है। ऐसे कैसे? रुको ना, अभी तो कहानी शुरू हुई है। क्या आपको तकलीफ है? हमको भी नहीं है। यहां देखो, अरे आप सुनते काहे नहीं है जी? ए भाई साहब तैयार? बोलो तैयार। अरे ठीक है, चुप रहो। यहां देखो, 5 साल बाद, ध्यान सुनो, 5 साल बाद ए और बी का एज का रेशियो 3:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:2। कब? आफ्टर 5 ईयर रेशियो इज ऑफ ए एंड बी विल बी 3:2, है ना? 5 साल बाद ए और बी का एज का रेशियो 3:2 हो जाएगा, ऐसा बोला। कोई दिक्कत? कहा 10 years ago, 10 साल पहले की बात है। 10 years ago, 10 साल पहले, द डिफरेंस बिटवीन द एज, इनके एज का बीच का डिफरेंस 10 years था। क्या बोला? 10 साल पहले उनके एज के बीच का जो डिफरेंस, समझते हैं डिफरेंस, अंतर, अंतर, ठीक है ना? 10 साल पहले उनका एज का अंतर 10 वर्ष का था। 10 साल पहले उनका एज का अंतर 10 वर्ष का था। तो वर्तमान उम्र का अंतर क्या है? तो फाइंड द डिफरेंस द प्रेजेंट एज, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, है ना, इज प्रेजेंट एज, इनके वर्तमान उम्र में अंतर कितने का है? दोनों के प्रेजेंट एज का डिफरेंस निकालने का क्या है भाई? अब यहां पर बच्चा दिमाग लगाएगा, खतरनाक वाला, है ना? कहेगा 10 साल पहले 10 साल था, 5 साल बाद रेशियो इतना हो गया, और पूछ रहा है वर्तमान का अंतर, प्रेजेंट में क्या है इनके एज का डिफरेंस? ऑलवेज सेम, मैंने क्या बोला था? ऑलवेज सेम। जो 10 साल पहले अंतर था 10 साल का, तो आज भी 10 साल का ही सुनाई दे रहा है जी, आज भी उसे 10 साल का ही सुनाई दे रहा है। ओके, तो आज भी उसका अंतर 10 साल का ही रहेगा। यस और नो? ओके, वेरी गुड। अंतर 10 साल का रहेगा, कोई दिक्कत? यदि आपसे ये पूछ दिया फाइंड इज प्रेजेंट, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, ए का वर्तमान उम्र निकाल लो, तो कैसे निकालेंगे? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। बोलो, ए का प्रेजेंट कैसे निकालोगे?
नहीं समझे? और दिखाते हैं, देखो यहां अंतर कितने साल का है, तो यहां भी अंतर कितने साल का है, यहां कितने का अंतर है, 1/10, 30 और 20। हाँ या ना? नहीं समझाया? अरे यहां पर 3 साल का है, 2 साल का, तो अंतर कितने साल का है? इस 3 साल और 2 साल तो अंतर कितने साल का है? तो 1 का अंतर है, तो 1/10 दिया है, बोलो हाँ या ना? 1/3, 2/20, तो 1 का प्रेजेंटेज यहां 30 साल का है, तो 5 साल पहले तो आ गया प्रेजेंटेज ऑफ ए 25 ईयर्स। समझ में आया? अभी तो बस एक झलक दिखलाए हैं कि क्या होता है, ये है कि नहीं? अब तो पूरा देखना है। वेरी गुड, चलो जाओ, चलो चलो, अब चुप रहो, चालू हो जाओ, अब कोई उपाय ना है, गाड़ी चलेगी धांधा। चलिए भाई, चलिए, चलो जाइए, इतना देर इसमें इतना का कर रहे हो तुम लोग? फोटो बना रहे हो का? जी बना लो, जी बना लो। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, देवी और सजनों, देवी और सजनों, बोलो ना जी, इतना देर लगाओगे यार तो नींद आ जाएगा हमें, तो देखो गर्मी का ऐसी मौसम है। ए भाई, 4 साल पहले की बात है, कब की बात है? 4 years ago, 4 साल पहले क्या था भैया? ए और बी का एज का रेशियो क्या था? बोलते कहे नहीं है, 4:2। 4 साल पहले ए और बी का एज कैसे 4:3 था, यस और नो? ओके, आगे बताओ। आफ्टर 3 years, 3 साल बाद इनका एज का सम कितना हो जाएगा? 70 साल हो जाएगा। कब? 3 साल बाद। कहां से गिनेंगे? प्रेजेंट से। जो भी करेंगे कहां से? वर्तमान से, ठीक है ना? ए भाई साहब, हमको पीछे आना है जी, कि जहां पर रेशियो दिया रहेगा सम वही लाएंगे, मालूम? तो रेशियो हमको यहां दिया तो सम भी यहीं लाएंगे, ठीक? तो पीछे आने पर एज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बोलो बोलो, कहां होगा? घटेगा। तो एक आदमी का यहां से यहां 3 घटेगा और यहां से यहां 4, तो 7 घट गया ना? तो एक आदमी का 7, तो 2 आदमी का, तो पहले यहां 70 है, 14 घटा दो तो यहां कितना आ जाएगा? ये बात समझ में आया देवी और सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, यस ना? किसका निकालना बंधु? निकाल दो, 4/7 × 56, ठीक है? 7, 8, 4, 32, यस नो? तो आ गया। ये कब का आया? ये कब का आया? क्योंकि ये रेशियो 4 साल पहले का है, तो एज भी किसका आएगा? हमको तो वर्तमान पूछा, 4 जोड़ दीजिए, 32 और 4, तो ऐसे करके 1 का 36 हो गया। ये सुनो, मेरे बात सबको समझ में आए हैं? देवी और सजनों, ये सुनो, बोलते कहे नहीं है? यस सर, समझ आ गया? अभी तो मजा आएगा, अभी तो कहानी शुरू ही है। ना मिलेगा? चलो भाई साहब, चुप रहो, जल्दी बनाओ फटाफट, चालू चालू हो,
कब से चालू हो तुम भाई? ले भैया इसका तो आ भी गया। देवी और सजनू, बोलो बोलो आया। बोलो भैया आया। भैया जी का इतना देर, भैया जी काहे लगाते हैं जी? वो जी किसका नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी शुरुआत है एज का, उड़ा देंगे धाएं धाएं। कितने साल बाद? 6 साल बाद क्या हुआ? ए और बी का एज का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:3। 3 साल पहले क्या था इनका एज का सम? 54। बस शुरुआत है समझने के लिए, ठीक है ना? ये बताओ कि हम आगे जाएंगे ना, जहां पर रेशियो दिया है, आगे जाने पे बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, याद है? तो यहां से यहां 3 बढ़ेगा और यहां से यहां 6 बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो 3 और 6, एक आदमी का 9 बढ़ेगा तो 2 आदमी का, बोलो हाँ या ना? एक आदमी का 9 बढ़ेगा तो 2 आदमी का 18 बढ़ेगा, यस नो? हाँ या ना? 18 बढ़ेगा तो मैं यहां 54 था, 18 जोड़ दो 70, तो यहां पर 72। तो क्या पूछा? ए का प्रेजेंट, तो पहले यहां ए का निकाल लो। यहां का 5/9 × 72, 9 8 72, 8 5 तो ए का कितना आ गया? ए का कितना आ गया? कब? ये 6 साल बाद है 40। ये जो आया है वो कब का आया है? 6 साल बाद का। लेकिन हमसे पूछा क्या है? तो पहले वर्तमान पूछा ना, प्रेजेंट एज पूछा कौन? तो हम यहां से 6 साल पीछे आ जाएंगे। तो ए यहां पर 40 है, पीछे आने बढ़ जाएगा घट जाएगा? अरे पीछे आने में बढ़ जाएगा घट जाएगा, तो घटा दो ना 6 साल। कितना आ गया? 34 आ गया क्या? बोलो बोलो, 34 आ गया क्या? ओ माय गॉड, 34 आ गया है? पढ़ लो ना नेक्स्ट टाइम, बन कोई दिक्कत तकलीफ थोड़ा सा? चलो जाओ, थोड़ा गर्मी जाओ, कल ही पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है? ओके, कल से चालू है 8 बजे में अलजेबरा। यदि किसी बच्चा को अलजेबरा करना हो सुबह 8 बजे, नया बिल्कुल 8 बजे से, तो आ जाइएगा, ठीक है ना? यदि किसी को छूटा उटा हो तो चालू हो जाइएगा।